तीनों नगर निगमों में सबसे आगे है। मुझे पूर्ण विश्वास है हम तीनों में विजय हासिल करेंगे, अपना बहुमत स्थापित करेंगे। इसका मुख्य कारण है दिल्ली नगर निगम में गत 5 साल में जो अच्छा काम किया है बीजेपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, उसके कारण से लोग प्रसन्न है, लोगों ने दोबारा हमको मौका दिया है। साथ ही साथ लोग कांग्रेस से नाराज है, भयंकर भ्रष्टाचार का और भयंकर महंगाई के कारण से लोग कांग्रेस से नाराज है। दिल्ली प्रदेश सरकार ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में पूरा अधिकार नगर निगम से छीन लिया है, फिर भी उन्होंने सड़कों के संदर्भ में, बिजली के संदर्भ में, पानी के संदर्भ में, सीवेज के संदर्भ में उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। जो पावर्स है, जो अधिकार है, लिमिटेड सीमित अधिकार था, उसी अधिकार ने सदुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने अच्छा काम किया है। शीला दीक्षित ने सोचा नगर निगम को 3 भाग करने से कांग्रेस को फायदा होगा, वो भी नहीं हो पाया। ये जीत का मुख्य कारण जैसा मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का मेहनत है। ये जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी दिल्ली कार्यकर्ताओं को, दिल्ली नेतृत्व को जाता है। ये केवल एक नगर निगम का स्थानीय चुनाव का नतीजा नहीं है, कारण क्या है, दिल्ली देश का राजधानी है। दिल्ली में उत्तर से, दक्षिण से, पश्चिम से, पूरब से, पूर्वोत्तर से सभी इलाके से लोग आके यहाँ बस रहे, एक कॉस्मोपॉलिटन मेजर कैपिटल है। इसलिए यहाँ के लोगों का जो आदेश है जनादेश, ये राष्ट्रीय स्तर का जनादेश है। लोगों का माइंडसेट कैसा है, लोग क्या सोच रहे, इसका एक ताजा उदाहरण दिल्ली का ये चुनाव का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रभारी के नाते मैं खुश हूं। कुछ इलाके में भागी लोगों के कारण से कुछ नुकसान हुआ, मैं उसको स्वीकार करता हूं, फिर भी वो भागी भी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत आसान से मिलने वाले थे। फिर भी लोगों ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को जिताया और अच्छा मैंडेट हमारे पक्ष में दिया। सभी दिल्ली नागरिकों को हमारा ओर से धन्यवाद और अभिनंदन। करप्शन और महंगाई अहम मुद्दा था जो बीजेपी ने उठाए बड़े स्तर पर, लगता है कि ये मुद्दे काम किए हैं। जो करप्शन और महंगाई है राष्ट्रीय स्तर पर है, देखिए महंगाई और भ्रष्टाचार ये राष्ट्रीय मुद्दा भी है और स्थानीय मुद्दा भी है, कारण क्या हरेक नागरिक को छूते है। इसलिए आपने देखा होगा इन्हीं मुद्दों के कारण से मुंबई में, थाने में, नागपुर में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत हासिल किया है, कांग्रेस पार्टी बुरी तरफ हार गए। दिल्ली में भी कुछ भी कहे कांग्रेस वाले, महंगाई और भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, उसके कारण से लोग भी काफी प्रभावित हो गया। साथ ही साथ दिल्ली में सेकंड टाइम जीतना आसान नहीं है, बहुत साल के बाद पहली बार हुआ, ये पॉजिटिव वोट भी है। ये एक सेमीफाइनल है, आगे फाइनल विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है हम उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और दिल्ली विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। क्या इस्तीफे की मांग करते हैं, शीला दीक्षित को जिम्मेदारी लेने? मैं कुछ कहना नहीं चाहता उस विषय में। दिस इज अ हिस्टोरिक विन फॉर द भारतीय जनता पार्टी, बिकॉज आफ्टर अ गैप ऑफ सो मेनी इयर्स द बीजेपी वाज एबल टू कम बैक टू पावर, नॉट ओनली इन वन कॉर्पोरेशन बट ऑल्सो इन ऑल द 3 कॉर्पोरेशन। दैट्स वाई कॉल्ड इट अ हिस्टोरिक विन। दिस इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द कांग्रेस पार्टी थॉट बाय ट्राइफर्केटिंग द दिल्ली they will have the advantage, but is working to their disadvantage.